आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं माधव नगर भिवंडी के एक इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक वैक्सीनेशन का कैंप लगा हुआ है और ये वैक्सीनेशन का कैंप जो है पिछले 4 दिनों से जारी है यहां पर। और ये जो आप देख रहे हैं मदरसे हिलाली गरीब नवाज, इसके जरिए यहां पर कैंप लगाया हुआ है और इसके जो ऑर्गेनाइजर है वो हमारे जुबैर भाई हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कब से कैंप लगा है, कितने लोगों ने यहां पर इन तमाम लोगों से कि कितने लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया, यहां पर कौन कौन से कैंप में क्या क्या चीज़ें लोगों को मुहैया की गई है और लोगों ने किन किन चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे जुबैर भाई। सबसे पहले मैं जुबैर भाई से पूछना चाहूँगा, जुबैर भाई ये कैंप जो लगा हुआ है ये कब से लगा? ये कैंप 4 दिन से लगा है और यहाँ पे वैक्सीन का है और बैंक अकाउंट का है, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट जो है उसका है और इलेक्शन कार्ड में नाम डालने का था और जो ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है ई श्रम कार्ड, ये भी इसलिए कैंप लगाया गया जो इस एरिया के लोग है। अब यहाँ वहाँ वैक्सीन के लिए जाके नंबर लगाना भागना, तो इसलिए हमने खुद इस मोहल्ले में लगाए मदरसा हिलालिया गरीब नवाज में कि यहाँ के लोगों को आराम से फैसिलिटी मिले, कि यहाँ वहाँ जाना ना पड़े और ये चारों चीज़ें फ्री। गवर्नमेंट का तो कोरोना का वैक्सीन फ्री है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, ई श्रम कार्ड है, इलेक्शन, इसमें किसी को कोई पैसा देना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम लोग ने जब चालू करने सोचे थे वैक्सीन तो हम लोग सोचे थे लगता है लोग पीछे भागेंगे लेने के लिए। बाकी मैंने 3 दिन का कैंप लगाया था, जब पब्लिक को देख के 2 दिन का कैंप और बढ़ाया गया, नहीं तो 29 तारीख लास्ट था, अब आज 30 है और कल 1 दिन और 5 दिन के लिए कैंप कर दिया गया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंसान को अगर आसानी मिल जाए तो इसकी वजह से आप लोगों आपने 1 दिन और बढ़ा दिया है। और नहीं तो लोगों को परेशानी भी बहुत हो रही थी लाइन लगाने में, ये लगाने में, ये आपने इलाके में ही कैंप लगा के बहुत अच्छा काम किया। मुझे ये जानकारी दीजिए कि अब तक की 3-4 दिनों में कितने लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, कितने लोगों ने ऐसे ई श्रम कार्ड बनाया, एक हल्का फुल्का सा एक आंकड़ा बता दीजिए कितने लोग अब तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। अभी जो और इनकी महानगर पालिका की स्कीम थी, वो मैडम ने बोले थे कि 3 दिन में कम से कम 500 लोग को रहता है, बाकी यहाँ पे 500 से ज़्यादा हो गया 3 दिन में, मतलब डेली का 200 के लगभग लोग ले रहे, डेली का 200। और ये ई श्रम कार्ड वगैरह और बैंक अकाउंट वगैरह है, इनका आंकड़ा क्या है? तो बैंक अकाउंट का तो कम से कम क्या नाम है 100 लोग हुआ अभी तक का, और ई श्रम कार्ड का तो चालू ही है, उसका भी कम से कम 300 से 400 लोग हो चुके हैं श्रम कार्ड पर। बहुत अच्छी बात है कि अब तक के लोगों ने जो उम्मीदें थी उससे कहीं ज़्यादा और दुगना लोगों ने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया, एक श्रम कार्ड भी बनवाया है, बैंक अकाउंट में है। हमारे साथ मौजूद है एक शख्स और भी, हम उनसे एक सवाल पूछेंगे कि अक्सर मुस्लिम तबके में जो है लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई नुकसान हो जाएगा, ये लग जाएगा। आपको ये कैंप लगाया यहाँ पर, आप 3 दिन से यहाँ पर हो, कोई आपको ऐसा कुछ ऐसा लगा कि नहीं इंजेक्शन लगाने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है, या किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं हुआ? और लगाना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम है और फ्री है और कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो अभी तक दिखा नहीं। लोगों की एक सोच थी, फिर भी वो सोच की वजह से आपको कैंप लगाने में कोई मुश्किलात आई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई मुश्किलात तो नहीं आई, मैं खुद भी लगाया हूँ, मेरा दोनों डोज हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमारे यहाँ और भी लोग बहुत मौजूद है, हमारे आपको देख भी रहे हैं लोग चैनल पे, उनसे कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि ये जो लगाना है ये ज़रूरी है और आगे की बीमारी और बढ़े उससे अच्छा उससे पहले लगा लें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कुछ लोग जो इस कैंप को कामयाब बनाने में पेश थे और ये वाकई में हमने यहाँ आकर देखा तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कैंप भी बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रहा। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जुबैर भाई जो हैं ये अपनी तरफ से बहुत सारे कैंप वगैरह लगाएंगे और लोगों को इसी तरीके से फ़ायदा पहुँचाएंगे।